लॉकडाउन में ऑटो बंद रहने के कारण ऑटो चालकों को आर्थिक समस्या आ रही है। संघ के राधेचरण अहिरवार ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर आर्थिक मदद कराने की मांग की है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम चालक परिचालक की दयनीय हालत की सरकार द्वारा सहायता मोहरा आज कोरोना बीमारी के चलते चालक परिचालकों का व्यवसाय पूरी तरह बंद हो चुका है। इसके चलते परिवार का भरण पोषण खतरे में पड़ गया है। चालक परिचालक को सम्मिलित किया जाए, वही दिल्ली सरकार ने 5,000 रुपये आर्थिक सहायता प्रदान की है। मध्य प्रदेश सरकार से निवेदन है कि चालक परिचालकों की 5,000 से मदद करने की कृपा करें। किस चीज का ज्ञापन सौंपा? राधेचरण अहिरवार, अध्यक्ष आर्ट यूनियन संघ विदिशा। अभी हमने ज्ञापन दिया है, कोरोना के चलते लॉकडाउन लगभग 23 तारीख से शुरू हुआ, जिसके कारण ट्रेनें बंद, बसें बंद, सब कुछ बंद पड़ा है, जिसके कारण आज चालक परिचालक और ऑटो चलाने वाले सबकी रोजी रोटी पर संकट खड़ा है। ऐसे संकट में सरकार की ओर आशा भरी निगाहों से चालक परिचालक और ऑटो वाले देख रहे हैं। दिल्ली सरकार द्वारा इनको आर्थिक मदद के रूप में 5,000 दिए थे, परंतु अभी तक मध्य प्रदेश सरकार से ऐसी कोई राहत राशि इनको नहीं मिली। इसके कारण हमने ज्ञापन दिया और मध्य प्रदेश सरकार से मांग की है कि चालक परिचालक ऑटो यूनियन के जो सदस्य हैं उन सभी को सहायता राशि प्रदान की जाए, जिसके कारण वो अपने परिवार को का भरण पोषण ठीक तरह से कर पाए। बीमा क्लेम डॉक्टर, नर्सेज और पुलिस जवानों को दिया गया है 50,00,000 रुपए का। तो हमारा ड्राइवर अगर कोई जाता है और वो बीमारी ग्रसित होता है, पॉजिटिव पाया जाता है, तो उसका बीमा क्लेम भी 50,00,000 किया जाए। ये मांग भी हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय से रखी। धन्यवाद। विदिशा टेंट हाउस एसोसिएशन के धर्मेंद्र यादव के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के नाम प्रशासन को ज्ञापन सौंप कर कोरोना के चलते लॉकडाउन में कामकाज बंद होने पर आर्थिक मदद की मांग की है। भाईसा एक मिनट, आज विदिशा टेंट एसोसिएशन ने अपना एक ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम से श्री कलेक्टर महोदय को सौंपा है। उसमें हमारा सीजन पिट गया है, मालूम मार्च से लेकर जून तक जो हमारा सीजन चलता है, जिसमें हम 12 महीने के लिए हमारी घर की व्यवस्था करते हैं, वो हमारा पूरा पिट चुका है। हम शासन से ये मांग करते हैं कि हम दुकानदारों के लिए एक सीसी लिमिट लोन बनाई जाए, जिससे कि हम हमारा धंधा खड़ा कर सकें और हमारे जो बच्चों की स्कूल की फीस है, संपत्ति कर है, दुकान का किराया है, वो एक साल के लिए रोका जाए और आगामी माफ़ किया जाए मान लो, और आगामी एक साल तक के हमारे दुकानदारों के समस्त प्रकार के बैंकों के जो कर्जे हैं जिनने लोन ले रखा है उसके 1,00,000 के 1 साल तक के लिए छूट दी जाए। हमारी ये मांग थी आज के साथ सभी टेंट एसोसिएशन की विधि से।